कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं। ब्लॉग भिजवाना, आज मैं आपको दिखाऊंगी डीप क्लीनिंग डेली ब्लॉग, मैं कैसे सारी सफाई करती हूँ। ये फ्रीजर आपको बनना, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पीछे से मैं जी। उसके बाद से ऐसा ऐसा छोटे काम करके पहले सारे वो जो कवर वगैरह थे, यूज़ कवर वगैरह, सोफों के बाद चादर वगैरह वो वॉश की, आगे इनकी सफाइयाँ करके इनके कवर वगैरह काम के लिए आज सारी फाइनल क्लीनिंग हो जाएगी। मैंने इसे खुश्क कपड़े से खुश्क करके इसमें मैंने इसे ज़रा ये हो गया नीचे वाला इसे भी क्लियर। अब इसे मैं खुश्क करूँगी और इसकी मैं जालियाँ वगैरह इसके बॉक्स वगैरह लगा के ये हो जाएगा फिनिश। बाकी मैं फिर दूसरा करूँगी। फ्रीज़र मैंने साफ़ कर लिया था, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूँ। अगर आपकी जब बर्फ ज़्यादा जी नीचे हो जाए तो उसके ऊपर नमक फेंक के ना तो उसे थोड़ी देर छोड़ दें, तो वो जो ज़्यादा टाइम लगता है वो टाइम थोड़ा हो जाता है, शॉर्ट टाइम में आपकी बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। तो उसे साफ़ करने के बाद मैंने उसमें उसकी जालियाँ वगैरह बॉक्स वगैरह लगा के बाद में फिर मैंने पुलाव बनाया। और मसाला वगैरह मैं अपनी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी से पसंद है तो मैं स्पाइसी रखती हूँ, और बाकी जिसको जिस तरह पसंद हो वो उसी तरह करे। और बाकी व्यूज़ मेरे वीडियोस पे ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ में मैंने इसमें अचार डाला था, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा खट्टास वाला, यानी कि थोड़ा मज़े का पुलाव बना। इसे अच्छी तरह थोड़ा भून के कि मसाले अच्छी तरह जज्ब हो जाएं, फिर इसमें पानी ऐड करके तो पानी को बॉयल होने के लिए इंतज़ार करेंगे। और इसी दौरान मैं साथ साथ मैं डिफरेंट काम भी कर रही थी, एक टाइम पे के शॉर्ट टाइम में मेरे काम भी सारे हो जाए और मेरा टाइम भी बच जाए। मुझे तो करा रहे थे, एक सौ लगता तो मैं चार भी ऐड करती हूँ, आलू बुखारा भी ऐड करती हूँ। अब इसे थोड़ा सा भून दूँगी, इसमें पानी डाल दूँगी, मैंने के साथ तो किसी से साफ चावल और उसके साथ में पानी डालूँगी। मेरे तीन गिलास चावल थे तो मैं तकरीबन फाइव गिलास पानी डालूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब मैं इसे उबाइल आने का इंतज़ार करूँगी कि इसको उबाइल आए एक दो, और फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। उतनी देर मैं दूसरे काम करूँगी क्लीनिंग वगैरह। ये उबाइल हो गया था और इसमें मैंने चावल भी ऐड कर दिए। टमाटर मैंने आज इसी तरह वो मैश नहीं हुए क्योंकि फ्रीज हुए थे। और बर्तन मेरा मुझे छोटा लग रहा है, चलो जो होगा देखी जाएगी। फाइनली ऑल डन, फाइनली सब नीट क्लीन हो गया। ये मैंने चार पे बिछाई हुई है कि मेरे ससुर जो बैठ के टीवी देखते हैं, तो सोफे पे तो नहीं लेटा जाता ना, तो फिर ये साफ मैंने क्लीन किए थे, वॉश किए थे। तो अभी ना मैंने न्यूज़ कवर डाल दिया, चावल का पानी भी खुश्क हो गया, देखिए थोड़ा सा पानी रह गया। अब इसमें लो फ्लेम पे रख के तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी, और ताकि इसमें से थोड़ी सी वो कच्चापन और रह गया वो भी क्लियर हो जाएगा और ये मिक्स भी नहीं होंगे। और ये
मेरी अभी जमीन की एक बोतल तो जाए नमाज। चावल मेरे तैयार हो गए थे, मैंने चावल के लिए फिर प्याज भी काट लिया, इसमें मैं दही और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करूँगी, रायता भी तैयार हो जाएगा, तो फिर बाकी खाएंगे। और बचे हुए चने जो मैंने उबाल किए थे चावल के लिए, चावल चने ज़्यादा थे तो फिर मैंने इस तरह से बना के चले, इसके मैं आज चना चाट बनाऊंगी। इसमें मैंने खीरे, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर जो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने सारा कुछ काट दिया। अब इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और आलू उबाल और आलू भी इसमें ऐड कर दूँगी और बच्चों की छोटी सी पार्टी तैयार हो जाएगी पार्टी के लिए। चना जी हमारी होगी चना चाट भी तैयार, अभी से हम सर्व करेंगे सबको।